सो हेलो एंड हाय गाइस, इट्स योर एनिमे गाइस। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में एंड होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के जरूर एंटरटेन्ड होंगे। एंड उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो यार देखो, अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप मेरे चैनल सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एक ड्रॉ विद एनिमे नाम का चैनल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके वीडियोस में कमेंट कीजिए आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन है। तो आपको उस एनिमे कैरेक्टर का ड्राइंग नेक्स्ट दिन या फिर कभी भी हो वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो भी आपके शाउट आउट के साथ। तो जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब एंड चेकआउट कर लेना मेरे चैनल सेक्शन में। तो चलो यार, बहुत हुआ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ यार, आज हम बात करेंगे पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट कब आएगा मार्वल एचक्यू पे। एंड वैसे तो बहुत सारे फेक वेबसाइट्स ऐसे न्यूज दे रहे हैं कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट 27 सितंबर को ही मार्वल एचक्यू पे आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इतनी जल्दी ब्लैक एंड व्हाइट का आना इम्पॉसिबल है। और देखो, ये सब फेक वेबसाइट पे बिल्कुल भी विश्वास आप लोग मत करना। देखो, बहुत लोग वेबसाइट्स को एडिट करना जानते हैं, वो अपने एडिट के हिसाब से कुछ भी लगा देंगे, तो आप ऐसे ही विश्वास उन पे मत करना। जिस पे भी जल्दी जल्दी का डेट लिखा होगा, बिल्कुल भी उस पे देख के विश्वास मत करना। अगर बात करो मार्वल एचक्यू की, तो देखो वो सीजन के एंड में हर न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो इसके हिसाब से वो दिसंबर के आसपास, शायद ये मेरा प्रेडिक्शन है गाइस, वो दिसंबर के आसपास ही हमको दिखा सकते हैं पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर जनवरी में भी दिखा सकते हैं, दिसंबर या फिर जनवरी, ऐसा ही कुछ टाइमिंग हो सकता है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का आने का। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे फेक न्यूज आ रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क फिर से ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्ट करने वाला है। तो देखो दोस्तों, इसमें भी विश्वास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो मैंने भी एक वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। देखो, कार्टून नेटवर्क पे ऐसे ही दूसरे कार्टून शो के साथ यहाँ पर पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है। पता नहीं गाइस, ये बिल्कुल फेक है गाइस, ये एडिट किया हुआ पेज है, इसको बिल्कुल भी विश्वास मत करना। उसके साथ साथ ड्रैगन बॉल जी का भी एक वेबसाइट पे लिखा था, मैंने देखा था, तो दोस्तों उस पर भी विश्वास मत करना। उनके पास ड्रैगन बॉल जी होते हुए भी जो उन्होंने बहुत सालों पहले दिखाया था, वो अब इस टाइम पे दिखा कि वो लोग क्या करेंगे कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क से देखो दोस्तों उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ दो, मार्वल एचक्यू हमें दिखाएंगे, तो मार्वल एचक्यू पे ही उम्मीद आप लोग रखो। हाँ यार, अब आप तो कहेंगे ही कि वेबसाइट को तू फेक क्यों कह रहा है, इसमें फेक क्या है, उसमें लिखा है तो सच ही होगा ना। तो देखो दोस्तों, टाइम काल बहुत ही हाईफाई हो चुका है आजकल, सभी लोग, बच्चे भी वेबसाइट्स को एडिट करना जानते हैं। मेरे ही नीचे का क्लास का एक बंदा, मेरे स्कूल का, वो भी वेबसाइट में एडिट करके कुछ और लिख दिया और लोग उस पर विश्वास करने लगे। हालांकि मैं भी जानता हूँ वेबसाइट एडिट करना, लेकिन दोस्तों ये वेबसाइट एडिट करना बहुत ही ईजी हो चुका है, तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। डिज्नी या फिर कार्टून नेटवर्क बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो लोग ऐसे ही कोई भी वेबसाइट पर कुछ भी लिख के नहीं देंगे, तो दूसरों का लिखा ही देख के बिल्कुल भी विश्वास मत करना। वो कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं देते, वो जैसा शेड्यूल में रखते हैं वैसा ही करते हैं, कभी कभी हंगामा शेड्यूल चेंज कर देता है, लाइक बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन का। तो देखो, हंगामा पे शेड्यूल का विश्वास मत करना। लेकिन दोस्तों, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पोकेमॉन देखो उस टाइम पे ही शायद आ सकता है, शायद दोस्तों, क्योंकि देखो बेब्लेड के भी कुछ सीजन, जैसे बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन, बेब्लेड बस्ट सीजन के एंड में ही, एकदम मतलब ईयर के एंड में ही स्टार्ट हुए थे। वैसे भी पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को डब करके रख दिया है, मतलब डब कंप्लीट हो चुका है, तो दिखा क्यों नहीं रहे। तो उनको पता है कि सीजन के एंड में ज़्यादा लोग देखते हैं, तो इसलिए वो लोग अभी भी दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए सीजन के एंड में ही वो लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाँ यार, आज का वीडियो था इतना ही। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक मार देना एंड यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यार हमें 1K के आंकड़े को क्रॉस करना है, ये मेरे बहुत दिनों से सपना था कि मैं तुम लोगों के सपोर्ट के साथ 1K क्रॉस करूँगा। तो यार प्लीज़ यार, हम ये कर सकते हैं, मुझे विश्वास है तुम लोगों पे, हम ये कर सकते हैं, हमको 1K क्रॉस करना है दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। आप लोग वीडियो न्यू देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ पे देखो कितने लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ 20% ही देखते हैं। तो यार वीडियो छोड़ के मत जाओ, सब्सक्राइब करके ही जाओ एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। कुछ भी हो यार, सब्सक्राइब को आपको कलर चेंज कर देना है। तो यार पिछले पोके क्विज के विनर्स को मैं शाउट आउट यहाँ पे दे देता हूँ।
तो यार आज की जो पोके क्विज है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप ये गेस कीजिए कि ये दोनों कौन से पोकेमोन है, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि ये कौन से पोकेमोन है हैशटैग पोके क्विज लिख के। तो उसके बाद के वीडियो में आपको मिलेगा शाउट आउट। तो यार तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन एंड गुड बाय।